माय चैनल ब्यूटी विद बनर्जी स्टाइल में आपका स्वागत है आज आपके सामने जो प्रोडक्ट लाए हैं वो वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग एक एज के बाद मेनोपॉज की समस्या से गुजरते हैं जो कि आता ही आता है हर वमन्स को ये जो है सामना करना पड़ता है फेस करना पड़ता है तो वो हम लोग का जब मेनोपॉज आता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हेयर केयर उस समय कैसा किया जाए या हेयर प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाए क्योंकि हेयर रूट की समस्या समस्या हो सकती है हेयर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं काफ़ी जड़ों से हेयर्स जो है वो वीक होने लगते हैं और सफ़ेद तो पहले से ही होना शुरू हो जाते हैं काफ़ी थिन होने लगते हैं हेयर है प्रॉब्लम्स होने लगती हैं तो इसके लिए सेसा वालों ने ये प्रोडक्ट निकाला है सेसा वेलनेस का आयुर्वेदिक हेयर केयर जूस सेसा एक पुराना जाना माना नाम है हम लोगों ने बहुत पहले छोटे से सुना है इसको ट्रस्टवर्दी ब्रांड है ये फॉर मेनोपॉज सपोर्ट के लिए है मेनोपॉज से गुजरते समय जो महिलाओं को सपोर्ट की ज़रूरत होती है उसके लिए है ये ये काफ़ी चीज़ें आपके शरीर पे आ, मतलब आ, अच्छा करती हैं और काफ़ी हेयर की समस्याओं को सॉल्व करती हैं इसमें सतावरी है जटा मानसी है अश्वगंधा है एंड हरद है तो चलिए देखते हैं इसको कंज्यूम कैसे करते हैं फिर इसके बारे में आपको बताते हैं ये देखिए ये इस तरह के बॉटल में आता है इसको एक गिलास पानी में तीस एम एल यानी कि देखिए आपको ये मेजरमेंट के लिए दिय, दिया जाता है ये छोटा सा गिलासिया जिसको कहते हैं तो इसमें तीस एम एल आपको लेना है और एक गिलास पानी में आपको डिल्यूट कर लेना है और उसके बाद इसको कंज्यूम करना है तो उससे पहले इस, आ, यूज करने से पहले इसको अच्छे से शेक कर लें शेक वेल बिफोर यूज उसके बाद इसको इस तरह से खोला जाए ये मैंने लिया है एक गिलास पानी इसमें तीस एम एल इसको लेना है जूस को देखिए तीस एम हमने इसको लिया और उसको ये देखिए एक गिलास पानी में डिल्यूट कर लिया स्मेल भी थोड़ा आयुर्वेदिक टाइप का है टेस्ट भी अच्छा है टेस्ट भी ऐसा है कि आप आराम से पी लेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब इसके आ, की इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि किस तरह की चीजें इसमें शामिल है क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं उसको पीते कंज्यूम करते हैं तो उसके बारे में जानकारी होना भी बहुत जरूरी है ये, एक, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि गुड फॉर वुमेन है और इससे हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे हमने आपको बताया है कि वो सॉल्व हो जाती हैं काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व होती हैं इसमें काफ़ी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जिस वजह से हेल्थ प्रॉब्लम भी मेनोपॉज के समय काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स के इश्यूज आते हैं वो भी इससे सॉल्व हो जाती हैं इसका पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि हमने जो है इसको पिया है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इसमें क्या क्या इंग्रीडियंट्स हैं हरद है जो कि आपके कन हेयर फॉल को कंट्रोल करता है भृंगराज एंड अनंत मूल है जो कि आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है आमला जो प्रिवेंट्स हेयर थिनिंग पतले हेयर को मोटा करता है यानी कि पतला होने से रोकता है शतावरी एलिवेट्स पोस्ट मैनोपॉज सिम्टम्स एंड बिल्ड्स इम्यूनिटी यानी कि मेनोपॉज के बाद जो सिम्टम्स आते हैं उसको आ, सही करता है और जी जो हम लोग की इम्यूनिटी होती है उसको बूस्ट करता है यानी कि इम्यूनिटी भी बनाता है बिल्ड करता है बहेड़ा इम्प्रूव्स हेल्थ एंड इम्यूनिटी जो बहेड़ा भी यही करता है अश्वगंधा इम्प्रूव्स मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड वाइटैलिटी मस्कुलर स्ट्रेंथ हड्डियों को भी मजबूत करता है और सारे विटामिन वगैरह भी ये प्रोवाइड करता है मानसी प्रोटेक्ट्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो भी आ, हम लोग के बच्चे बच्चे के समय भी जो भी हेल्थ इशूज आए थे उनको भी अब जो है ये मैंटेन करता है और जो इन इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं उनको डिसऑर्डर्स करता है मेड यूजिंग स्वरस विधि आप इसको स्वरस विधि से भी पी सकते हैं मतलब बना ये बना हुआ है आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं कोल्ड प्रेस आंवला जूस भी इसमें मिला हुआ है कोई केन वाला आमला जूस इसमें नहीं मिला है आप इसको दूसरे प्रोडक्ट्स अगर इस्तेमाल इस टाइप इस के कर रहे हो तो आपको उसको ना पसंद करके इसको पसंद करने लगेंगे ये ऐसा है प्रोडक्ट है अब इसकी बात की जाए कि इस, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं तो हंड्रेड परसेंट सेफ है नो साइड इफेक्ट्स है नो एडेड शुगर है नो एडेड फ्लेवर है नो एडेड कलर है जी एम पी सर्टिफाइड है सबसे मेन यही है कि जीएमपी पी है लैब टेस्टेड है फॉर सेफ्टी आयुष सर्टिफाइड है और क्या चाहिए आयुष वालों से भी ये सर्टिफाइड है आयुष डॉक्टर्स भी वेरीफाई इसको किए हैं पूरा पैनल वेरीफाई किया है इसमें नो फैट शुगर और कोलेस्ट्रॉल है रिच इन विटामिन सी है ऑफ डेली रिक्वायरमेंट विटामिन सी का ये देता है केटो है फ्रेंडली वेगन फ्रेंडली है ग्लूटेन फ्री है इसको पीने का हमने आपको दिखाई दिया है तीस एम एल इन ग्लास ऑफ वाटर एंड कंज्यूम ट्वाइस अ डे एक दिन में दो बार आपको लेना है आपको कैसा लेना है हाउ टू तो यूज ये हमने आपको बता दिया है अब जो है इसको प्राइसिंग की बात की जाए अफोर्डेबल प्राइसिंग यानी कि 595 पे ये अनडिल्यूटेड जूस आपको मिलता है ये पूरी बोतल आपको 595 में मिल जाती है प्रोकोडेट की पैकेजिंग भी हमने आपको दिखाई दी है थर्ड टाइम इसको यूज कर रहे हैं तीन दिन से चार दिन से पी रहे पी के हम देख ही रहे हैं तो आपको पैकेजिंग दिखा दी है टेस्ट भी इसका अच्छा है अच्छे से पीने लायक है एंड स्मेल भी आपको पूरा आयुर्वेदिक अच्छा सा मिल जाता है तो अगर आपको लेना हो तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है अगर की बात ही नहीं है एक वो में को मोनो मेनोपॉस से पहले से ये चीज़ लेनी हो, ज़रूरी होती है क्योंकि तो मोनोपास मेनोपॉज के समय हम लोग का शरीर Uh, अंदर से थोड़ा सा वीक हो जाता है और काफ़ी प्रॉब्लम्स uh, आने लगती हैं चिड़चिड़े होने लगते हैं काफ़ी सिम्टम्स मेनोपॉज के आने लगते हैं तो अगर हम uh, उसके कुछ दिन कुछ साल पहले से इसको लेना चालू करते हैं तो मेनोपॉज के समय हम लोग को कोई भी ऐसी समस्या नहीं होती है पूरी तरह से मेनोपॉज हमारा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी हम प्री uh, मेनोपॉज ये शुरू कर दिए हैं जो कि मैं पोस्ट मेनोपॉज तक कंटिन्यू कंटिन्यू uh, रखना चाहूँगी तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे आपकी क्या राय है इस प्रोडक्ट के विषय में आपकी क्या राय है ये आप हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जरूर बताइएगा और अपनी राय चैट सेक्शन के द्वारा बताना अच्छा होता है जिससे कि हमको भी मोटिवेट मिलता है कि हम इस इस तरह के प्रोडक्ट्स आपके लिए सिर्फ आपके लिए और आगे लेते रहें एज अ वोमेन हम अपने हेल्थ के साथ साथ आपका भी हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर हैं अगर हम अच्छी चीज़ आपको बताते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं तो आप उसको देख के लेते हैं इसीलिए मैं बहुत सारे कोई भी गलत ऐसी चीज़ों का आ, कोई भी प्रमोशन नहीं करती हूँ जिससे कि हेल्थ बेनिफिट्स की, की बजाय आपको कोई नुकसान हो तो ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट है ये ऐसा ब्रांड का तो आप इसको ले सकते हैं कंज्यूम कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी हमको शेयर कर सकते हैं तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे तब तक बनर्जी जी को नहीं भूलिएगा प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन को जरूर यूज करिएगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे तब तक के लिए